एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टेम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में। जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है अपने, उसकी नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपन लेके आए। तो आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी अपन बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अपने स्टार्च का संचय करने वाली लवक क्या कहलाते हैं? तो जितने भी स्टार्च जो होता है पौधों में, वो पौधे की कोशिकाओं में जो मंड लवक पाए जाते हैं, एमाइलोप्लास्ट में अपन कहते हैं, उनके द्वारा इनका संचय किया जाता है। दूसरी बात करते हैं, वसा या तेल का संचय करने वाले लवक क्या कहलाते हैं? तो देखिए, जो बीज होते हैं तेलीय पौधे की, जैसे मूंगफली है, तो उनमें जो तेल या वसा का जो संचय है वो किया जाएगा तेलादि लवकों द्वारा, एमाइलोप्लास्ट द्वारा, जिसके कारण इनके बीजों में तेल बन जो तेल है वो पाया जाएगा और तेल अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन संचय करने वाले जो लवक हैं वो क्या कहलाते हैं? तो प्रोटीन संचय करने वाले लवकों को अपन प्रोटीनो प्लास्ट कहते हैं, एमाइलोप्लास्ट भी इनको कह सकते हैं, ये प्रोटीन का संचय करते हैं बीजों में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, जिसमें किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता वो कहलाता है अवर्णी लवक, जिसमें हरा रंग होता है वो कहलाता है हरित लवक, और जिसमें हरे रंग के अलावा विभिन्न रंग, चाहे नीला हो, पीला हो, गुलाबी हो, पाए जाए तो उसे कहेंगे अपन वर्णी लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 5वां, क्लोरोप्लास्ट शब्द किसने दिया? तो जो क्लोरोप्लास्ट शब्द है वो दिया था सिंपर ने 1885 में, जो प्लास्टिक शब्द था वो दिया था हिकल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हरित लवक का मैट्रिक्स क्या कहलाता है? तो हरित लवक में पाया जाने वाला जो द्रव्य होता है उसको अपन हरित लवक का स्ट्रोमा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो ग्रेना में संपन्न होती है, ग्रेना में होता है थायलेकोइड और थायलेकोइड में होता है क्वांटसम, तो वहां पर ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। तो सीधी सी बात हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है वो संपन्न होती है स्ट्रोमा में, कहाँ संपन्न होगी? स्ट्रोमा में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि क्वांटासोम की खोज किसने की? तो क्वांटासोम की जो खोज है वो की थी पार्क और बिगिंस ने 1964 में, पार्क और बिगिंस। नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम किसने दिया? जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अलग अलग नाम दिए गए, तो वैज्ञानिक थे आर अल्टमैन, तो आर अल्टमैन ने इन्हें बायोब्लास्ट कहा। फिर बात करते हैं माइक्रोस्टेरियाज, जो एक शैवाल उसकी एक कोशिका में कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? तो उसमें केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है एक कोशिका में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा उत्पादक अंग होते हैं, तो जो उड़न पेशियां हैं उनमें इनकी संख्या बात करें अपन अधिक होती। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो झिल्ली है उस पर जो अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं, उन उभारों को क्या नाम देंगे? तो उन उभारों को नाम देंगे किस्टी। किस्टी पर से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपन, तो अपने प्रश्न आ गए 13, ऑक्सीसोम या एफ कण कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑक्सीसोम या जो एफ वन कण है वो टेनिस रैकेट के समान होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर जो उंगली नुमा उभार जिन्हें अपन ने किस्टी कहा था, तो ये किस्टी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं? तो ये कोशिका में ऊर्जा उत्पादन की जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं की जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को अपन कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं अपन सूत्री कणिका। नेक्स्ट है कोशिका का रसोईघर किसे कहते हैं? तो रसोईघर का मतलब है जहां पर पौधे के लिए भोजन तैयार किया जाता है। तो एक पौधे में जो पत्तियां हैं वो रसोईघर होगी, लेकिन एक कोशिका की बात करें तो कोशिका में हरित लवक उसका क्या हो जाएगा? रसोईघर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि अंतःपरद्रव्य जालिका की खोज किसने की? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने की?
हो जाएगा तैयार पाउडर। बात करते हैं ईआर कितने प्रकार की होती है, तो ईआर दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतःपरदर्वी जालिका, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते जो लिपिड का निर्माण या संश्लेषण करती है, और दूसरी होती है खुरदरी अंतःपरदर्वी जालिका जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने विषैले पदार्थों के आविषीय प्रभाव से सेल को बचाने का कार्य कौन सी अंतःपरदर्वी जालिका करती है, तो करती है स्मूथ अंत स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःपरदर्वी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने गोल्जिकाय की खोज किसने की, तो जो गोल्जिकाय है उसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, किसने की थी कैमिलो गोल्जी या कैमिलो गोल्जी। बात करते हैं कि जो गोल्जिकाय की खोज है हुई थी उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक क्रोसोम के निर्माण करने में कौन सा कोशिका भाग लेता है, तो एक क्रोसोम का जो निर्माण है उस निर्माण में भाग लेती है कौन, गोल्जी बॉडी। बात करते हैं कोशिका में वसा और प्रोटीन का संचय कहाँ होता है, तो प्रोटीन और वसा का जो संचय है वो गोल्जी बॉडी की एक विशेष रचना होती है जिसे अपन वेसिकल कहते हैं, उस वेसिकल में होता है, तो गोल्जी बॉडी की वेसिकल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जिकाय में कुंडिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो कुंडिकाओं की संख्या रहेगी 3 से लेकर 12 तक, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 7 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कि लाइसोम की खोज किसने की, तो लाइसोम की जो खोज है वो की थी ड्यू ने 1955। नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहते हैं, सुसाइडल बैग से किसे कहते हैं, कोशिका की जो आत्मघाती थैलियां होती है वो होते हैं लाइसोम, क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक और पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो जब ये टूट जाए तो पूरी कोशिका को बचा जाती है, इसलिए अपन इनको कोशिका की आत्मघाती थैलियां कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि लाइसोम का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है, तो लाइसोम का निर्माण करने में दो कोशिकाओं संयुक्त रूप से क्रिया करते हैं, उनमें एक है गोल्जी बॉडी और दूसरा अंतःपरदर्वी जालिका, यानी गोल्जी बॉडी और अंतःपरदर्वी जालिका की संयुक्त क्रिया द्वारा लाइसोम का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रोगग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, जब भी शरीर में कोई रोगग्रस्त कोशिका उत्पन्न होती है तो उसे नष्ट करने की आवश्यकता होती है, उसे नष्ट करने का कार्य करेगा लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्पिरोसोम की खोज किसने की, तो स्पिरोसोम की जो खोज है वो की थी गेंजियर्ड और पेरनर, फिर तेले बीजों में पश्य पदार्थों का संचय कौन से कोशिकाओं के करते हैं, तो जितने भी तेले बीज होते हैं उन तेले बीजों में बात कर रहे हैं अपन पश्य पदार्थों का जो संचय है वो करेगा स्पिरोसोम। फिर बात करते हैं परोक्सोम की खोज किसने की थी, तो परोक्सीसोम की खोज भी किसने की थी, डीड्यू ने की थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कोशिकाओं में H2O2 के विघटन का कार्य कौन सा कोशिकाओं के करता है, देखिए H2O जिसे अपन हाइड्रोजन परोक्साइड कहते हैं वो अधिक मात्रा में हो जाए तो कोशिकाओं के लिए हानिकारक होता है, तो उसका विघटन करने के लिए कोशिकाओं में परोक्सीसोम पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट में देना कि ग्लाइक्सोसोम की खोज किसने की थी। अब बात करते हैं आप अपन की, यदि आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगे तो कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए आप बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।